30 मिनट्स लगे पार्किंग ढूंढने में, और जो लोकेशन हम आए वो ऐसा गजब है। 3 यूरो मतलब 240 रुपए। अब और हम अभी आ गए हैं आईफिल टावर के सामने। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड हम बहुत लेट हैं थैंक्स टू मिस्टर गगन चौधरी, जो अभी तक गाड़ी की चाबी लेके गायब है। हमारा लगेज इधर पड़ा हुआ है, तो अभी प्लान एक्चुअली बहुत ज्यादा ही थक गए, एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली, सो टायर्ड। पूछो ही मत, वो कैमरा ऑन करती मैंने, अंदर वो एनर्जी आई है, बट अदरवाइज तो एकदम हालत खराब है, पूछो मत। कंटिन्यूस ट्रैवलिंग की अभी प्लान ये है कि पहले लगेज डालेंगे गाड़ी में, कुछ खाएंगे, ब्रंच हो जाएगा, सीधा लंच प्लस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और फिर वी आर गोइंग टू गो एंड एक्सप्लोर सम खेती बाड़ी। नूरेन इज सो स्मार्ट ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, मैडम ने अपना बैग यहाँ पे रख दिया, गाड़ी के पीछे छुप गया बैग, और मैं उस साइड से बैठा, गगन इस साइड से बैठा, पिलर के पीछे बैग छुपा है, दिखा ही नहीं, और हम लोग निकल गए। फिर उसको एयर टैग का डिटेक्शन आया कि योर बैग इज लेफ्ट बिहाइंड, अब हम जाके आए हैं पिकअप करने। सोचो वेल, हम लोग आए हैं व्हाइट क्लिफ्स, यहाँ पे दिख रहे हैं पीछे व्हाइट क्लिफ्स, मैं बीरोल में आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे पीछे भी व्हाइट क्लिफ्स, पानी एकदम हरा होके रखा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से बर्ड फ्लाई कर रही है, बहुत ही सही एटमॉस्फेयर है। लेकिन क्योंकि ये समर है और एटमॉस्फेयर इतना रैप्चिक है, बहुत ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, पार्किंग करने में हालत खराब होगी, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे पार्किंग ढूंढने में। नूरेन ने एक्चुअली जाके किसी अंकल को फॉलो किया, बोले आर यू लीविंग, ऐसे करके पटा के उनकी गाड़ी निकली, हमने डाली फटफट, तो पार्किंग का बहुत इशू है, जबकि पेड पार्किंग है, वो भी 1 घंटे के लिए कुछ 1 यूरो या कुछ ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे तो हम लोग ऐसी बकचोदी वगैरह कर रहे हैं, गगन उधर चला गया ऊपर, बोले ऊपर आ जाओ, तो ऊपर जाके देखते हैं है क्या। ओह वाओ, माय गॉड, यू जस्ट कॉट इट, नाइस, ओके, कैन आई टेक फोटो, कैन आई डू फिशिंग, फिशिंग आ वो ले प्रेंड ला कैन, या hold like this, automatic, no. dude bahar aa ja, chal ghum ke aate apan, bechare ko andar rakha hua hai aise, but wo heat shield laga ke rakhi hai, achhi baat hai। abhi ek bahut tod jagah ja rahe hain jiske liye hame 2 kilometer trek karna hai, 30 minute lag rahe hain aur halat already kharab hogi 400 meter mein। तो बेसिकली कितना टाइम बचा हमारा, 5 मिनट बचे दीदी के साथ लिफ्ट लेने से, लेकिन तुम्हें जो एनुए एक्सप्लेन करने में लग गए 10 मिनट, तो हमारा 5 मिनट का घाटा हुआ। बचा स्टैमिना, एक तो बचा है। और जो लोकेशन हम आए हैं वो ऐसा गजब है, देख के मज़ा ही आ गया, नेक्स्ट लेवल। नहीं डर, मुझे कुछ डर नहीं, डर के आगे जीत है, ठीक है, मुझे बोल रहे हो, एक सेकंड रुको, ठीक है। पहले हम वहाँ पे थे और अब यहाँ आ गए, नाइस। गगन भाई पूरे जोश में कूदने का माहौल बना के रखा है, नहीं गगन नहीं, ऐसा मत करो हमारे साथ, आर यू कॉमेडी मी, बहुत ही ज्यादा विंडी है, इतना विंडी है, इतना विंडी है कि गगन की टोपी वापस उड़ गई, बेचारा बाय भी नहीं बोल पाया। और यहाँ पे ऊपर टॉप से भी, हम एक्चुअली इधर नीचे थे और बहुत गर्दी हो गई वहां पे, क्या व्यू है। आलू नहीं, मुझे रेडिश लग रहा है, नहीं बड़े आलू है, निकालना एक बार, रेडिश भी हो सकता है।
ये सूंघ के कैसे पता कर रहे हो? अरे सर ऐसा थोड़ी। ठीक है गगन एक काम करो, ये खेत में जितने भी आलू हैं गिन के लाओ। दिखाओ गगन, दिखाओ दिखाओ। ये रेड नहीं है, वाइट कलर है। तो फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गए हैं, टाइम हुए 5 बज गए, लंच नहीं किया, वॉशरूम जाना है, हालत खराब है, सरदर्द हो रहा है, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, केटीएम रेसिंग यहाँ पे लिखा है, कैरावैन कल्चर, एक्चुअली सब कैरावैन से यहाँ पे खड़ी है, मैंने लगा दी गाड़ी क्योंकि हमारी भी कैरावैन से कम थोड़ी है। तो अभी हम बैठ के लंच कर रहे हैं, लंच में नूरेन लाई है हमारे लिए खा करा, बहुत ही हेल्दी फुलफिलिंग लंच है। अब मैं सोचता हूँ 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगा। हद टोल है, हर जगह टोल पे टोल है, क्यों अच्छी रोड पे चढ़ जाओ टोल बूथ आ जाता है फट से। अरे निकल जा रिसीट, ये रही, चलो देखते हैं कितना लगा, और लगा है लगभग 3 यूरो, मतलब 240 रुपए। अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, रफली 15 मिनट पहले हमने ऑलरेडी 140 रुपए दे चुके हैं, 10 मिनट पहले, मतलब लूट मच चुके। मैं कल कैलकुलेट करता था रात को बैठ के, 3000 रुपए हमने टोल में ही दिए, और टोल से निकलते ऐसी रोड आ जाती पतली वाली, बट एटलीस्ट स्पीड लिमिट 130 है। वेल, हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है कि फिटिंग नहीं आती, डिवाइडर पे चढ़ना ही पड़ती है, एक टाइम एक साइड में और फिर पार्क होती है, और पेरिस में तो पार्किंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्री पार्किंग है 7 से 9 बजे, रात के 7 से सुबह के 9 बजे, जिसकी वजह से क्या होता है ना, सब लोग ऐसे पार्क करके निकल जाते हैं, अभी हम थोड़ा लेट आए तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। गगन जी अपने पूरे स्किल यूज करके पार्क करेंगे, मुझे लग रहा है यूके का स्टिकर निकाल देते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा यूके वाले ड्राइव इतनी खराब तरह से करते हैं। पूरा काट दो लेफ्ट साइड, पूरा काट दो, मैं हूं ना यहाँ पे, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। ओहो हो हो, मेरे चीते दो दो बैग उठा रही हो, जोश तो आएगा ही, देखो ना तुम्हारी फेवरेट गाड़ी जो दिखी तुम्हें राइट में, ये देखो स्कोडा, बाकी आप सब समझ लो। और हम अभी अपने एयरबीएनबी में घुस गए, आज एयरबीएनबी में रह रहे क्योंकि ये चीपर पड़ा कम्पेयर टू होटल रूम, काफी अच्छा है, बट इसकी जो रूल्स है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बता दी भाई ने कि ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है। ये है गगन का रूम, उसमें बस एक छोटी सी लाइट है, छोटा सा बिस्तर है, बेचारा कैसे फिटाएगा, बट गिटार बजा सकता है। बाय द वे काफी अच्छा रखा हुआ इसने घर, और यहाँ पे हमारा रूम, इसकी लाइट किधर है, ये भाई ने, हाँ ये रही, ये चिंटू बेड में मैं तो फिट नहीं आने वाला था, ये देखो, अरे यार क्या सही बात है। अब आई थिंक मैनुअल में लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में, कि इनको बिल्कुल मत छूना, ठीक है, चलो एटलीस्ट यहाँ पे लगेज खोल सकते हैं, अगर लगेज एक और है यहाँ पे, और यहाँ से क्या व्यू दिखता है, ये खुलता है कि नहीं, अरे हाँ चलो खुलता है, थोड़ी फ्रेश एयर तो आएगी। ओहो ग्रिल विल कुछ नहीं लगाया, गाड़ी वहाँ पे पार्क करनी होगी, हमने पीछे पार्क किया क्योंकि पार्किंग अवेलेबल ही नहीं है। देख लिया मैंने, वो देखो आईफिल टावर यहाँ से दिख रहा है, आईफिल टावर ऑलमोस्ट हर जगह से दिखता है, पता नहीं इसमें जंग क्यों नहीं लगा अभी तक। एक रीजन है गगन ने ये रूम सिलेक्ट किया, सर एक तो गिटार बजाते हैं वो यहाँ पर पड़ा है, सर बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो वहाँ पे पड़ी है, और सर को एक अच्छी सी टेबल मिली है काम करने के लिए, ये देख के खुश हुआ, टेबल देख, हमारे रूम में कोई टेबल वेबल नहीं, सिर्फ चेयर है। यहाँ का रूल है कि बाहर के जूते अंदर अलाउड नहीं है, सर ये इनके ओनर ने 3 दिए, ये देखो नूरेन बोलती मुझे ये चीज, अब मैं दोनों ये लेके घूम रहा राइट वाली, ये ठीक है मैं पहनी थी जी के, ये ले लो, नहीं मैं वो तो दूंगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। नूरेन बदतमीजी मत करो ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया ना, अगर मुझे दे दिया जूते, मैं तुम्हें आईफिल टावर दिखाऊंगा यहाँ से, मैं देख चुकी यहीं से दिखाऊंगा, चलो। अरे अरे नूरेन बदतमीजी होती हद होती है, चलो। सबसे पहली चीज, कपड़े चेंज करने से पहले भी, वॉशरूम जाने से भी पहले, फुटेज ट्रांसफर करो, अभी फुटेज पहले कंप्यूटर पे ट्रांसफर करो, फिर यहाँ से अपलोड करो, यहाँ पे स्पीड बहुत गजब चल रही है, देखो कितनी तेज ट्रांसफर है, मजा आ गया, 4 मिनट में पूरा हो जाएगा, 30 GB है। पहले मुझे क्या पता रहता पता है, ये लगेंगे ऑलमोस्ट, कल के होटल में बोल रहा था 2 दिन लगेंगे। स्पीड टेस्ट कर लिया है, बहुत तेज और खतरनाक स्पीड पे चल रहा है इंटरनेट, और वो देखो आईफिल टावर यहाँ से हमें दिख रहा है, ये भाई साहब लोग लाइट ही घुमाते रहते पूरे टाइम, कुछ काम वाम भी कर लिया करो कभी कभी। फ्रांस में ना सिग्नल ऐसे नीचे भी लगा के रखते हैं, ताकि आपको ऑल द वे ऊपर नहीं देखना पड़े, आप नीचे देख के भी समझ जाओ कि कब रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज रेड हो रहा है। बेसिकली इंडियन रेस्टोरेंट में गगन जी अभी हमारे लिए ऑर्डर करें दाल चावल, और इस सड़क में मैं खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ पार्किंग किधर हो, क्योंकि इतना पुअरली प्लान्ड सिटी है ना, पार्किंग बिल्कुल ही नहीं है, कहीं भी पार्किंग नहीं है, और ये देखो ऐसे कि चिपका के रखा है हर जगह सिग्नल पे सिग्नल। फाइनली पार्किंग मिली, मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे इस गैप में ये गाड़ी चिपकाई है। तो गगन जी आप ऑल द वे ये खाने आए हो फ्रांस। और हम अभी आ गए हैं आईफिल टावर के सामने, पीछे देख सकते हैं, रात को बहुत ज्यादा ही बेहतरीन लगता है, इनफैक्ट मैं दिन में भी आ चुका हूँ लेकिन इतना मजा नहीं आया, मैं टॉप तक जा चुका हूँ दिन में, रचित के साथ आया था जब हम बुगाटी भी गए थे, और एक्चुअली पोशा कैन खूब चलाने आए थे फ्रांस, थोड़ी बी रोल देख लो यार, बिकॉज रात को तो शानदार एकदम।
आलू मटर। तुम देसी लोग ना, तो देसी लोग आलू पालक बोला था ना, तुम देसी लोग ना फ्रांस आके भी इंडियन ही खाओगे। ओ प्लीज, हु वाज डाइंग फॉर इंडियन नॉटन, कैसे करो। हाँ तो क्या हुआ, देसी फूड खाने में बुराई क्या है? बात ये है ना, ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू क्यूजीन्स। एक्सप्लोर भी क्या है, ये भी खा रहा है। चल झूठी, 20 दिन रह रहा है। आलू मटर तुम्हारी फेवरेट, ये क्या है? दैट आलू मटर इज फॉर यू। अग्नोल, हाँ पालक नहीं दिया, मटर दे दिया उसने। उन्होंने जोश में कपड़े धोते, सुबह को भी ड्राई नहीं हुए, अब क्या करें? क्या ऐसे ऐसे बच्ची बच्ची वैन तो मैं ओवरटेक करके जा रही है नोरेन। कल हम सोच रहे हैं क्या हम स्विट्जरलैंड जाएं या कल इटली जाएं, तो